नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस में। अगर आप राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंटों को पता है कि आपका जो क्लास ट्वेल्थ का साइंस का और कॉमर्स का रिजल्ट था वो आपका 18 मई को घोषित किया गया था, और आपका जो 12वीं क्लास का आर्ट्स का रिजल्ट था वो आपका 25 मई को घोषित किया गया था। तो आप सभी बच्चों के मन में एक डाउट है कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा 10वीं क्लास का, हम बहुत परेशान हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, जो आपका 10वीं क्लास का रिजल्ट आने वाला है वो आपका जून के फर्स्ट वीक में आने वाला है। तो आप लोग ये न्यूज़ दे सकते हो, उस न्यूज़ में बताया गया है कि 10वीं का परीक्षा परिणाम अगले माह के प्रथम सप्ताह में जारी किया जाएगा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका 10वीं परीक्षा का परिणाम जून के प्रथम महीने में यानी प्रथम सप्ताह में आपका जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो आपका 10वीं का रिजल्ट जून के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है, यानी आपका 2 या 3 तारीख को आपका 10वीं क्लास बोर्ड का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में स्पष्ट किया गया है कि सेकेंडरी परीक्षा 2023 का परीक्षा परिणाम अगले माह के प्रथम सप्ताह में जारी किया जाएगा, यानी जून के प्रथम सप्ताह में जारी किया जाएगा। बोर्ड की सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि शरारती तत्वों द्वारा शिक्षा मंत्री के फेक आईडी के माध्यम से सोशल मीडिया पर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम की घोषणा की फर्जी सूचनाएं प्रसारित की जा रही है। परीक्षार्थी कदापि इन अफवाहों से भ्रमित न हो, शिक्षा मंत्री के आधिकारिक ट्विटर हैंडल @DrBDKallaInc अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी सूचनाओं को ही अधिकृत माने। तो दोस्तों, जो आपका 10वीं क्लास का रिजल्ट है वह आपका जून के प्रथम सप्ताह में जारी किया जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे आपका रिजल्ट आएगा तो हम तुरंत लाइव आएंगे आपके साथ, आपका रिजल्ट निकालेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।